बेरोजगारी पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है किसानों की समस्या। बिहार का जो किसान है वो बदहाल है। हम लोग यहां से बैठकर पंजाब और हरियाणा के किसान की बात करते हैं, बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है। आप गांव देहात में सुनते होंगे लोग कहता है कि भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। इस लाइन को ध्यान से सुनिए, लोग क्या कहते हैं कि हम रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, लेकिन कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है कि खेती से कमाई नहीं है, यहां खेती खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। खेती की जो बदहाली है यहां, उसके तीन कारण है। पहला कारण है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में समाजवाद की राजनीति हुई है, सामाजिक न्याय का नारा लगा है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, यहां 75 वर्ष में बिहार देश के उन चंद राज्यों में है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि करीब करीब एक तिहाई जमीन, इसको याद रखिए, एक तिहाई जमीन का मालिकाना हक बिहार में डिस्प्यूटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। जो मालिक है वो कहीं ना कहीं उसके जमीन के कागज में दिक्कत है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, उस पर उसको लोन नहीं मिल रहा है, उसको बेच नहीं सकता है, तो जमीन की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। दूसरी जो बड़ी समस्या है, और अभी सरकार ने जो सर्वे का काम शुरू किया है, अभी मैं आपको एक भविष्यवाणी कर देता हूं, 6 महीना में इस जमीन के सर्वे से इतना समाज में भूचाल बवाल खड़ा होना है, क्योंकि जो भ्रष्ट व्यवस्था है, पूरा जो राजस्व भूमि सुधार का विभाग है उसके पास ना सुविधा है, ना उनके पास संसाधन है, ना उनके पास ज्ञान है। पूरी जो राजस्व की व्यवस्था है, एक अंचलाधिकारी, उसके साथ 2-3 कर्मचारी, और उस कर्मचारी के साथ जुड़े हुए 5-7 अटर्नी जो कि विशुद्ध तौर पर दलाल है, यही लोग चला रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब जमीनों का सर्वे किया जा रहा है इसमें कितने बड़े पैमाने पर हेर फेर और गलती होगी, और इससे समाज के कितने लोगों को परेशानी होगी। आप देखिएगा, अगले साल मार्च आते आते बिहार के हर गांव में सैकड़ों लोग अपनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालतों के और सरकारी अफसरों के पीछे ऑफिसों के में चक्कर लगाते नजर आएंगे। ये बड़ा मुद्दा बिहार में बनने वाला है। दूसरी जो किसानों की समस्या है वो जल का कुप्रबंधन। यहाँ जो विभाग है उसका नाम है जल संसाधन, ये सबसे ज्यादा लूट वाला विभाग है। आप लोगों को बता देते हैं, बिहार में हर विभाग में चोरी है, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां चोरी नहीं है, लेकिन जल संसाधन से ज्यादा चोरी कहीं नहीं है। अगर आपको एक मजाक की बात बता देता हूं, यहां गठबंधन का सरकार चलता है, सब सरकार सब विभाग का बंटवारा होता है, लेकिन जल संसाधन का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री रहता है उसी के पास जल संसाधन रहता है। क्यों? दूसरे विभाग में चोरी कीजिएगा तो उसका कुछ निशान पीछे छूट सकता है, पकड़ में आ सकता है। ये ऐसा विभाग है जिसमें खुद ही से आप बाढ़ लाते हैं, खुद ही से पैसा लुटवाते हैं, खुद ही से सूखा की स्थिति पैदा करते हैं, और चोरी करके फिर अगले साल फिर नया कार्यक्रम बनाते हैं। तो बिहार में जो जल संसाधन कुप्रबंधन है, इसका नतीजा ये है कि यहां 50% भूमि, इसको आंकड़े को याद रखिए, 50% भूमि बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बाकी का जो 50% है उसमें आधे से ज्यादा भूमि में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। ये आपको शायद दक्षिण बिहार में इतना नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप तराई के जिलों से नीचे आएंगे, जो तराई के जिले हैं नेपाल से लगते हुए, वहां पर जल जमाव की समस्या उतनी नहीं है। दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में उतना जल जमाव की समस्या नहीं है, लेकिन जब आप गोपालगंज जाएंगे, सिवान जाएंगे, सारण जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, खगड़िया जाइएगा, बेगूसराय जाइएगा, दरभंगा जाइएगा, यहां कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 2-4-5 हजार एकड़ जमीन जल जमाव से नहीं प्रभावित है। एक बार पानी आ गया वो पानी निकलता ही नहीं है। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो दक्षिण बिहार के लिए भी ज्यादा जरूर समझने वाली बात है, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचाई वाली भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई। दूसरे राज्यों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ। पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो नहरों के रख रखाव और नलकूप के रख रखाव के अभाव में 11% कम हो गया। आप गांव देहात में चलिएगा तो आप लोगों को दिखता होगा, लोग बताते हैं कि भैया इसोन कैनाल का पानी पहले आता था, अब पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि सिल्ट पड़ गया, रख रखाव नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, अगर आज से 10 वर्ष पहले 100 एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा बिहार में थी तो वो घटके अभी 89 एकड़ ही रह गया है। लेकिन भूमि सुधार और जल कुप्रबंधन के बाद
भी जो यहाँ पैदा हो रहा है, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो अनाज यहाँ पर किसान पैदा कर रहा है वो उसका उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसान जो पैदा कर रहे हैं उसका उचित दाम न मिलने की वजह से बिहार के किसानों को हर साल, इसको याद रखिए, प्रति वर्ष 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पूरा जो शाहबाद का एरिया है, ये धान का कटोरा लोग कहते हैं, यहाँ धान की खेती होती है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप मुझे कोई किसान दिखाइए जिसने 2100 रुपया में 2200 रुपया में अपना धान पिछले 2 वर्ष में बेचा हो। हर किसान यहाँ 1400, 1500, 1600 में ही अपना धान बेचा है। जो पैक्स की व्यवस्था है यहाँ उसका आंकड़ा सुन लीजिए। हम लोग कहते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में किसान बहुत धनी है। भैया पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर सरकार के एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान, याद रखिए 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी एजेंसियों के द्वारा, पैक्स के द्वारा सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो 2000 का धान जब किसान 1400-1500 में बेचेगा तो स्वाभाविक है कि उसको नुकसान होगा ही होगा। तो ये किसानों की जो 3 बड़ी समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना जिसकी वजह से भूमि की, जमीन की प्रोडक्टिविटी और उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, दूसरा जल का कुप्रबंधन, और तीसरा फसलों के दाम का न मिलना।